नमस्कार साथियों, द पीजी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिंस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, बाढ़ पीड़ित कुछ लोगों से, जो ये छोटा बघाड़ा प्रयागराज में आप लोग देख रहे हैं फ्लड का ये पूरा दृश्य। थोड़ा आगे दिखाइए, पूरे उठ करके पीछे का दृश्य दिखाइए आप। बाढ़ का ये दृश्य आप जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत ही परेशानी से लोग कई तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, और इस परेशानी को हम डायरेक्ट यहाँ के पब्लिक से जो परेशान है उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार साथी। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार, आप ये बता सकते हैं क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको? परेशानी ये कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हाँ। खाने के भी जो एसेंशियल सामान है वो भी नहीं मिल रही है। अच्छा। और यहाँ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो लोगों को आराम से मिल जाए। यहाँ की सरकार या डीएम के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही? अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं। तो उसके लिए यहाँ के जो लोकल प्रधान है या ग्राम सभासद है उनसे आप लोग शिकायत किए हैं? शिकायत एक्चुअली हम लोग जब उनके पास पहुँच ही नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे, पानी में फंसे हुए हैं, जा ही नहीं। अच्छा, पानी में फंसने के कारण आप लोग अपनी शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो, उनको इतना तो पता ही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो कम से कम इतना तो खाने पीने की कोई सुविधा यहाँ से लोकल के द्वारा दी जा रही है? नहीं, अभी कोई नहीं, कोई नहीं दी जा रही, कोई सुविधा नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? सर्वेश पटेल। तो कुछ बता सकते हैं क्या परेशानी झेलनी पड़ रही, क्या सुविधा मिल रही है कि नहीं, या क्या सुविधा आपकी जो है सरकार तक आपकी कौन सी जो है बात पहुंचा सकते हैं? सुविधा सर सब सही है, बस यही आने जाने का दिक्कत है। आने जाने का है, ये नाव जो है आपको तो सुविधा दिलाई, नाव की सुविधा तो की गई है यहाँ के डीएम के द्वारा, ठीक है। कोई परेशानी है आपको? नहीं, बस कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ने आए हैं? यहाँ पे स्टूडेंट हैं, ये लोकल रहने वाले नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ के लोकल की तो बात पहुँच सकती है, बताइए आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है, पर जैसे कि नाव चल ही रहा है सरकार द्वारा, इतना तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा। बाकी जो खाने पीने की चीजें हैं, बार बार ले आना जाना कम पड़ जा रहा है कुछ भी। अच्छा। बाकी आने जाने में पानी की देखिए, बाढ़ है तो बाढ़ में क्या करना है, परेशानी तो थोड़ी बहुत झेलनी होगी। जो मेन प्रॉब्लम है आपको खाने पीने की व्यवस्था की कमी न होने पाए, जो है यहाँ के लोकल से बात किया जाएगा, और हो भी रहा है, हमें लग रहा है कि कहीं व्यवस्था हुआ है, शायद एनिवेसेंट में हुआ है। क्या क्या व्यवस्था वहाँ पे हुई है सर? नाश्ते में मिलता है घुघरी। अच्छा। और चाय मिलता है। अच्छा। उसके बाद दोपहर में लंच मिलता है, शाम को भी मिलता है। अच्छा, खाना तीनों टाइम मिलता है? तीनों टाइम खाना मिलता है। खाना खाने में कोई कमी तो नहीं? नहीं, कोई कमी नहीं है। चलिए, अच्छा, ठीक है। आप बता सकते हैं कोई, आपका क्या नाम है? अनुज यादव। तो ये देख रहे हैं बाढ़ का दृश्य, इस पे काफी लोग परेशान हैं, घर सब डूब गए हैं। तो आप यहाँ के लोकल हैं या स्टूडेंट हैं? लोकल हैं यहाँ के। देखिए, यहाँ पे ज्यादातर जो ये आपको पूरा लोकल दृश्य दिखाई दे रहा है, ये पीछे का, यहाँ पे घर आपको काफी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोकल के कम, स्टूडेंट बाहर के ज्यादा रहने वाले हैं। काफी स्टूडेंट 3 से 4 दिन में पलायन कर चुके हैं, और 3 से 4 दिन के अंदर अभी जो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, जैसे जैसे ये डूब रहा है, अभी बताया जा रहा है कि 29 तारीख तक जो है बाढ़ की बढ़ने की संभावना है। मैंने खुद अनुभव किया है, 5 मिनट के अंदर 5 इंच पानी बढ़ा है। वो पत्थर दिखाई दे रहा था, अभी 10-15 मिनट पहले मैं आया था, वो डूब चुका है पत्थर, ठीक है। उधर दिखाइए आप, थोड़ा सा साइड में ले जाइए, वो पत्थर देखिए अभी दिख नहीं रहा है, डूब चुका है। इस तरह से जो है ये बाढ़ बढ़ने की संभावना है, और यहाँ के लोकल से ग्राम सभासद जो हैं या प्रधान है जो भी है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि लोगों को जो है सुविधा प्रदान करें, और कोशिश करें कि लोगों के साथ सब अच्छा हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, खाने पीने की व्यवस्था बनी रहे। 4-6-10 दिन की प्रॉब्लम है, ये अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। भगवान से दुआ करेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए और सपोर्ट करिए। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।